Good morning, dear friends. Once again, welcome in the physics lecture. Today's lecture is the third lecture, and we will be moving towards whatever the variation of G we were looking for. So, beta, in the last two lectures, we have completed about the gravitational force, Newton's law of gravitation. Again, the magnitude and direction of the force, means force in vector form. We have tried to solve some problems also. So I have given you some problems as a homework. I hope you have done them, you have completed them carefully with your brain, and then you would have seen that. Let's hope for the best that all the lectures you will see and you will practice according to that. So, beta, as per the gravity is concerned, gravitational acceleration, we have seen that, suppose this is the Earth, yesterday only we have seen, so this is the radius of the Earth, this is the height H, so we have seen some important formula. So, important formula to remember is, पहले तो आएगा आपका पहला g, g on surface, that will be g m upon r on earth surface. ये तो पहले बन गया g m upon r square on earth surface. सेकेंडली आपको देखना है gh के लिए दो फॉर्मूले हैं. एक है जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट्स में एट हाइट एच. इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन व्हाट फॉर्मूला वी आर गेटिंग, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर. दिस इज द अप्रोक्सीमेशन. This is the approximation. So this formula we have seen. Now for depth d also there is formula. So this is the important formula for problem solving. This is second important formula and this is third important formula. लेकिन इसके बीच में आपको समझना चाहिए कब ये formula यूज करना है और कब ये formula यूज करना. तो मैंने आपको कल बताया था. I have told you. Whenever h will be very very less than r, h will be very very less than r, but you will use this formula. So height जो है, वो as compared to the radius of the earth, अगर बहुत छोटा है, ये जो height है अपना, ये अगर बहुत छोटा है इसके कंपेरिजन में, तो हम ये formula use करेंगे. नहीं तो हम जाएंगे इस formula के. Are you getting my point? तो ठीक. तीसरा जो बनता है अपना. तीसरा बनता है दैट इज जी डी. जी डी का फॉर्मूला क्या देता है, जी एम अपॉन आर माइनस डी ब्रैकेट. लेकिन इसको हम यूज नहीं करते, उसके लिए हमने फॉर्मूला जो लिखा है वही अपन को एक ही फॉर्मूला यूज करना है. कौन सा, जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर. ये मतलब d अगर r के बराबर है तो r अपॉन आर वन, वन माइनस वन जीरो, जी डी भी जीरो, विच विल बी एट सेंटर. एंड मैक्सिमम व्हेन व्हेन डेप्थ विल बी जीरो, डेप्थ विल बी जीरो, ये बन जाएगा जीरो, जी डी विल इक्वल टू जी. तो अर्थ के अंदर में सरफेस से सेंटर तक g डिक्रीज करता जाएगा, और उल्टा सेंटर से अगर सरफेस पे आए तो जी इंक्रीज करता जाएगा स्ट्रेट लाइन. गेटिंग माय पॉइंट. ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है. तो इंपॉर्टेंट ग्राफ इस चैप्टर में आपको कॉम्पिटिटिव के लिए आता है, इसका स्टडी आता है. इस ग्राफ को आप सेपरेटली लिख के रखो. ये ग्राफ है,
इसको मैं 5 स्टार बना के रखता हूँ, ये भी 5 स्टार है, VVI, ये भी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैंने ग्राफ निकाला, इफ आई विल ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ जी वर्सेस आर, तो यहां पे तीन केस बन सकते हैं बेटा, ठीक से देखो इसको, तीन केस कौन कौन सा बन सकता है, ये बन जाएगा आर इक्वल टू आर, ये बन जाएगा आर लेस देन आर, क्योंकि मेरा आर है तो आर प्लस एच है, मेरा स्मॉल आर है वो आर प्लस एच है, तो यहां पे वो लेस देन आर रहेगा इन साइड द कर्व एट हाइट एच, तो मैंने लिखा है ये जे में स्क्वायर और ये 1 माइनस स्ट्रेच ऑफ आर, तो यहां पे आर ग्रेटर देन आर। तो सपोज ये जी वर्सेस आर का ग्राफ है और यहां पे मैंने आर इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं आर इज इक्वल टू आर। तो पहले क्या होता है, पहले तो अपना ग्राफ है वो, यहां पे मैंने बोला था ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, अगर ये आर 0 टू कैपिटल आर बढ़ गया तो जी भी वैसे ही स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। तो यहां पे इधर तक ये ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद में क्या लिखा है, ये दो फॉर्मूले हैं, तो यहां पे इनवर्स की प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वगैरह वैसे आता है, तो ग्राफ वैसे आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ग्राफ आपको ठीक से आना चाहिए, पता करना चाहिए, बहुत टाइम ये ग्राफ आपको आता है, इसका आधा पर इसका आधा, तो ये दो दो ग्राफ से बन गया है, एक तो अपना स्ट्रेट लाइन ग्राफ और एक तो अपना ऐसे, ये दो ग्राफ से ये कंबाइंड ग्राफ बन गया है। मतलब वेन आर इज लेस देन आर, तो यहां पे जी विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, ये रीजन कौन सा बनेगा, ये रीजन बनेगा आर लेस देन आर, ये रीजन में जी विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, आर इज इक्वल टू आर, जी विल बी मैक्सिमम, this will be the maximum value of g, this will be the maximum value of g, और यहां पे g where this region is r is greater than r, यहां पे g will be inversely proportional to r, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फॉर द रीजन r small r less than capital R, g is proportional to small r, वो बढ़ते जाता है स्ट्रेट लाइन मैनर में, एक पीक बनाता है, पीक कौन सा बनाता है, मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज वी आर टेकिंग ऑन द अर्थ सरफेस, जो वैल्यू वो यहां पे आती है, वो कब आती है, r is equal to r मतलब ऑन अर्थ सरफेस, तो ये हो जाएगा अबव सरफेस और ये हो जाएगा बिलो सरफेस। और कल के लेक्चर में गलती से मैंने कुछ एक लिखते टाइम R12 को R1 माइनस R2 लिखा था, तो एक स्टूडेंट ने मुझे बता दिया व्हाट्सएप करके, सो दैट इज R12 इज R2 माइनस R1, मेरे कल के लेक्चर में शायद कुछ तो बन गया था, ओके सो दैट यू सी कल या परसों के लेक्चर में। तो ये this will be your graph, so this is much more important for you people to understand what is the value and how to calculate, because there are plenty of problems coming on this all, and this graph is much more important, it's very essential graph, बिकॉज यही ग्राफ आपको फिर से इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही ग्राफ आपको सीखना पड़ेगा, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल
एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, दूसरा आएगा. सो दिस इज वेरी नेसेसरी. सो इसको नोट डाउन करो. आई विल सजेस्ट यू, पहले वाला भी आपने नोट्स बनाया होगा तो ये भी ठीक से नोट डाउन इसको करो. दैट इज माई रिक्वेस्ट. सो नोट डाउन इट केयरफुली. आफ्टर दैट विल गो अहेड. आई विल गिव यू सम टाइम फॉर पॉजिंग द वीडियो. ठीक है बेटा, अभी आगे जाते हैं. तो ये हो गया जी के वैल्यू का. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो फॉर्मूला लिखा है सब लिखा है तो वैसे ही रखता हूँ और इसमें ही ऐड करता हूँ आपका आगे का जो हमने कल सीखा था. वो क्या सीखा था, व्हाट वी हैव डन यस्टरडे. तो मैंने कल क्या बताया था आपको, अर्थ है वो थोड़ा सा आप उसको कंप्रेस्ड बोल सकते हैं एट पोल्स. तो ये बन जाएगा आर ई, ये बन जाएगा आपका आर पी. आपको मालूम है आर पी इज लेस देन आर ई, देयरफॉर जी पी इज ग्रेटर देन जी ई. और जी का वाली ये कहां पे है, ऑल सरफेसेस. तो सरफेस पे भी मैक्सिमम कब रहेगा, ऑन अर्थ सरफेस. तो मतलब हाइट डेप्थ एंड सरफेस, इसमें मैक्सिमम कहां होता है सरफेस पे, उसके उसमें भी सरफेस में कहां वो होता है मैक्सिमम, तो पोल पे मैक्सिमम. तो ऑन अर्थ सरफेस जी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर. तो इक्वेटर का जी का वैल्यू, मतलब सरफेस पे अगर हम पोल टू इक्वेटर जाते हैं, नहीं तो इक्वेटर टू पोल जाते हैं तो जी चेंजेस. सो वेरी इंपॉर्टेंट आई एम पी क्या लिखेंगे बेटा, आई एम पी क्या लिखेंगे, एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक से ध्यान में रखना. एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर जी क्या हो जाएगा, पोल पे मैक्सिमम है इक्वेटर पे मिनिमम है, जी डिक्रीजेस और वाइस वर्सा. एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इसका अगर उल्टा क्या, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल क्या बन जाएगा मेरा, जी इंक्रीजेस. ये भी इंपॉर्टेंट. तो ये एज अ नोटिंग आपको करना पड़ेगा, एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर जी डिक्रीजेस, डिक्रीज करता है, एंड इक्वेटर टू पोल जाते हैं तो जी क्या करता है, इंक्रीज करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड पोल एंड इक्वेटर. तो ये तो सब यू आर प्रोवाइडेड इन योर मॉड्यूल. सो आई थिंक इन योर मॉड्यूल पेज नंबर, यू मे चेक द पेज नंबर 10 अप टू 10 यू मे चेक दैट ऑल वैल्यूज. तो आज एडिशनली क्या करेंगे हम, आज एडिशनली करेंगे एक लैटिट्यूड है तो वहाँ पे ज़्यादा मैं बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि लैटिट्यूड का फॉर्मूला आपको मॉड्यूल में दिया है, जी लैम्बडा इज इक्वल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा. जी लैम्बडा इज इक्वल टू जी माइनस कितना दिया है आपको, आई थिंक जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा. तो बेटा ये क्या है, आप मुझे पूछ सकते हो सर व्हाट इज दिस, ये हमने क्या बनाया, ये हमें समझ में नहीं आया ये क्या हो गया. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ शायद आपको लिखने के लिए प्रॉब्लम हो जाए. तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा. तो जैसे हमने अल्टीट्यूड मतलब हाइट डेप्थ ये दोनों भी देखा, वैसे ही ये
ये आता है वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, ये क्या बताएगा आपका वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, वेयर लैम्डा इज योर लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको मालूम है, ये आपको एंगल के टर्म में मिलेगा, एंगल लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ये दोनों आपको मालूम है। और ऐसी है तो ऐसे दो लाइन बना सकते हैं, एक ऐसा बनाते हैं और एक ऐसा बनाते हैं, ये आपको मालूम है। और अगर ऐसा ऐसा लाइन बनाया आपको और ऐसा वर्टिकल एंड अगर हॉरिजॉन्टल लाइन तो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स वो होते हैं। तो उस लैटिट्यूड को अगर हम नजर में रखते हैं, इफ यू विल कीप इन माइंड that latitude, then how the g will change? G will change with latitude, g minus omega square r cos square lambda। तो इससे भी आप polar equator का वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए? omega r, तो दूसरा भी देना पड़ेगा, omega is the angular velocity of the earth, तो earth का angular velocity कैसे निकालना है वो भी दिखा दो। omega ये भी दोनों करो, angular वेलोसिटी किसका ऑफ अर्थ, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा एंड आर का होगा, आर बन जाएगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या बनेगा रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये लैम्डा बन जाएगा आपका लैटिट्यूड, ओमेगा बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी एंड आर बन जाएगा। तो जी लैम्डा मतलब अर्थ की लैटिट्यूड जैसे बदलती है, एज द लैटिट्यूड चेंजेस हाउ द जी चेंजेस, दिस इज गिवन इन दिस फॉर्मूला। सो आई विल सजेस्ट यू वंस अगेन काइंडली ऑब्जर्व ऑल द फॉर्मूली ऑन द बोर्ड, ये फॉर्मूला आपको कॉम्पिटिटिव के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत नेसेसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला अगर मालूम नहीं है, ये लॉजिक आपको अगर मालूम नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो आई विल सजेस्ट यू, मैं बाजू चलता हूँ और इसको आप नोट डाउन करें। तो हो गया बेटा, ठीक। तो अभी हमने सब लिखा, मतलब अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का लिखा, फोर्स कैसे आता है, दो पॉइंट के बीच में कैसे मिलेगा, उसका हम अलग सा प्रैक्टिस फिर से करेंगे। बीच में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हो गया तो मैं आपको इसमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, फिर से जो सॉल्व है अनसॉल्व है सब प्रॉब्लम आपको करके दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें अभी जो है आपका ये जो सब फॉर्मूला लिखा है बराबर, तो ये फॉर्मूला के ऊपर आपको अलग अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम में जी कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, तो देखो आज मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द फॉर्मूले in which g is used, collect all the formulae in which g is used। तो आपको कौन कौन से टॉपिक याद में आएंगे, पहले तो आपका एनएलएम आएगा, तो वेट पहला आएगा, वेट ऑफ द बॉडी, वेट कैसे लिखते हैं एम जी। तो यहां पे बॉडी कहां पे है वो वेट अपन को डालना पड़ेगा। तो इफ द बॉडी इज एट हाइट h, देन वेट ऑफ द बॉडी विल नॉट बी mg, mgh, mgh मतलब दैट पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा ऐसा mgh। अगर बॉडी नीचे है, अर्थ के नीचे कुछ हमने होल बनाए और उस बॉडी को उधर बॉडी है तो mg बन गया। अगर बॉडी पोल पे है
तो पोल पे अलग वेट आएगा, तो मेरे को मालूम है। तो वेट ये अगर फैक्टर लिया तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या क्या होता है। ऑन अर्थ सरफेस वेट विल बी मैक्सिमम एंड एज द बॉडी विल गो अप वेट विल ऑल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। इसीलिए किसी 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 पॉइंट पे अगर हम जाते हैं ऊपर 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 देन वी विल नॉट सेंस मच मोर वेट। हाँ, तो वो ऑन अर्थ सरफेस वेट विल बी मैक्सिमम, वेट विल बी मैक्सिमम जहां पे जी मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा एट पोल्स। तो ये धंधा बना सकते हैं, गुड बिजनेस। क्या जहां पे मैक्सिमम वेट है, जहां पे मैक्सिमम वेट है वहां से खरीद देगा और जहां पे मिनिमम वेट है वहां पे बेच देगा। तो गोल्ड ले लो, पोल पे कोई रहता नहीं है, लेकिन सपोज पोल पे किस कोई कोई जो है तो वो क्या करेगा, पोल पे क्या करेगा, सॉरी उल्टा बोला, जहां पे मिनिमम है वहां से खरीदने का और जहां पे मैक्सिमम वहां पे बेच देगा। तो इक्वेटर जहां पे है, इक्वेटर अभी गोल्ड एक्चुअली वैसे एमजी का यूज करके अभी और वो नहीं डिसाइड करते, उसका अलग सा मशीन आता है और मशीन से उसको करते हैं, वो एक जोक एज अ जोक। तो इक्वेटर पे मिनिमम होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है, तो इक्वेटर से खरीद लो, देखो इक्वेटर कहां पे है वहां पे जाके ऐसा खरीद लो गोल्ड, उसको जाके पोल पे बेच लो, बीच में जो फैक्टर है उसका इतना आपको मुनाफा मिलेगा, बराबर ना। वहां पे मैक्सिमम दिख गया, तो खरीदने के लिए जब मिनिमम है तो ज्यादा क्वांटिटी में आप खरीद कर सकते हो और जहां पे मैक्सिमम है वहां पे बेच सकते हो। जोक सब बात, वेट विल बी मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। वेट कहां पे मैक्सिमम होगा, पोल पे आपका वेट मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे आपका वेट मिनिमम, समझ गए। तो ये हो गया वेट। दूसरा, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा बेटा, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस G goes on decreasing, therefore mg will also go goes on decreasing। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ऊपर जाते हैं अर्थ के, तो वेट भी कम होता जाएगा। ये हो गया वेट, ये डायरेक्ट बराबर। दूसरा वेट एम जी, दूसरा है टाइम पीरियड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैंने आपको यह सिखाया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको नोट डाउन बी आई एम, इसको भी स्टार लगा, स्टार लगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अपने को तो फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला वी आर नोइंग t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ l अपॉन g, t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ l अपॉन g। तो अभी देखो अपना पुराना वाला डायग्राम याद करो, क्या बना था डायग्राम, g इज मैक्सिमम एट पोल बराबर। तो t क्या है यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। t जो है आपका, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g। तो जैसे g बढ़ता जाएगा t कम होता जाएगा, ओके। और टाइम पीरियड बढ़ गया, हाँ टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब पेंडुलम कैसा ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम बढ़ गया ऑसिलेशन, स्लो ऑसिलेट करेगा, और टाइम पीरियड कम हो गया तो फास्ट ऑसिलेट करेगा। तो
टी मोर और टी इंक्रीज पेंडुलम विल बिकम स्लो एंड टी डिक्रीज पेंडुलम विल बिकम फास्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर टाइम पीरियड मैंने बढ़ा दिया पेंडुलम क्या हो जाएगा, स्लो ऑसिलेट करेगा। और टाइम पीरियड अगर मैंने घटा दिया छोटा टाइम पीरियड में, तो फास्ट ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेशंस यहां पे बोलता हूं, ऑसिलेशंस। इफ टाइम पीरियड हैज इंक्रीज ऑसिलेशंस विल बी स्लो, इफ टाइम पीरियड विल डिक्रीज ऑसिलेशंस विल बी फास्ट। ये आपको ध्यान में रखना। तो पहले सब केसेस पूरा करते हैं इसको, ये सब केस को पूरा करते हैं। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि पहले तो ये आपने आपको नोट डाउन करना है, मतलब आपको समझने के लिए आपको टाइम देता हूँ, ठीक है? नहीं तो बाद में करते हैं, ये करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, सैटेलाइट ये एक ऐसी चीज है जो बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ। सैटेलाइट ऐसी चीज है जो ऐसे पॉइंट पे रहते हैं, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, यहां पर बताऊं आपको, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब, नहीं ठीक है ये नल पॉइंट का अभी आपको ऐसे नहीं बताऊं। सैटेलाइट जहां पे रहते हैं वहां पे, क्योंकि वो नल पॉइंट फील्ड वगैरह से भी रिलेट करता है, तो मैं आपको जब फील्ड सिखाऊंगा उस टाइम वो नल पॉइंट का बताऊंगा। अभी आप ध्यान में रखो, सैटेलाइट जहां पे घूमता है वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, मतलब जी का वैल्यू नहीं होता, जीरो। ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव करता है। सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन द ग्रेविटी फील्ड, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ऐसा स्पेस जहां पे आपका ग्रेविटी नहीं है वहां पे आपका सैटेलाइट काम करता है। तो इन सैटेलाइट, अगर मैंने पेंडुलम को रखा, मैंने पेंडुलम लिया सिंपल पेंडुलम, अगर मैंने सैटेलाइट में जी कितना होगा, जी विल बी जीरो, टी इज इक्वल टू रूट जी, रूट जी। तो ये क्या बन जाएगा, टी जी इज जीरो, तो टी बन जाएगा इनफाइनाइट। अभी मैंने बोला अगर टाइम पीरियड बढ़ गया, जितना जितना बढ़ते 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 जाएगा उतना स्लो ऑसिलेट करना चालू करेगा पेंडुलम, मतलब उसका स्लो हो जाएगा ऑसिलेशन एकदम। तो पहले पेंडुलम ऐसा था, एकदम पहले ऑसिलेट करता था, सपोज उसका टाइम पीरियड मैंने बढ़ा दिया, तो ऐसा धीरे 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 वो ऑसिलेशन उसका कम करेगा, और इतना कम हो जाएगा कि आपको लगेगा वो ऑसिलेटिंग नहीं हो। ओके, सो जी जीरो, तो प्रैक्टिकली एक्चुअली टी इंफिनिटी मतलब विल नॉट ऑसिलेट। तो अगर मैंने सैटेलाइट में लेके गया हूँ पेंडुलम को, तो पेंडुलम, ये मैंने आपको सिखाया है, फिर से अभी उसका आपको रिवीजन करूँगा, ऐसा आप सोचो, क्योंकि अभी ग्रेविटेशन का आपका टॉपिक आ गया है, तो आपको ध्यान रखना। तो इफ वी आर टेकिंग द पेंडुलम इन द सैटेलाइट, देन पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट, ऐसा लिखते हैं, पेंडुलम विल नॉट। ओके, तो अगर सैटेलाइट में है तो पेंडुलम ऑसिलेशंस करना बंद करेगा। दूसरा, कहां पे है, एट पोल्स पे क्या है, जी मैक्सिमम, तो टी क्या हो जाएगा, मिनिमम, उल्टा। ये भी इंपॉर्टेंट, पोल पे जी मैक्सिमम है तो आपका टी मिनिमम मिल जाएगा, और उसके उल्टा अगर इफ थर्ड वन एंड इक्वेटर क्या है, इक्वेटर में जी मिनिमम है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी मैक्सिमम। सो ऑन द अर्थ सरफेस द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम
एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल। तो ये भी चीजें हम अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस थिंग सो दैट आफ्टरवर्ड्स आई विल रब दिस आई विल कीप अस ओके। तो उसको नोट डाउन हो गया क्या? तो अभी क्या करते हैं, अभी इन चीजों को लिख के देते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मोटो मेरे क्लियर करते हैं एंड देन विल गो फॉर आवर वर्क। तो मैंने क्या क्या बताया आपको बेटा, जो सब चीजें बताइए वो अभी लिख लेते हैं। ओके, मैंने क्या बताया, नंबर वन एट पोल्स एज जी इज मैक्सिमम सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मिनिमम दैट इज इट विल ऑसिलेट फास्ट फास्टर एट पोल्स जी इज मैक्सिमम सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल मिनिमम। सो पोल पे सिंपल पेंडुलम अगर आप लेके गए सो इट विल ऑसिलेट फास्टर फास्टेस्ट फास्ट फास्टर भी होते फास्ट टाइम पीरियड मिनिमम होगा एकदम छोटा एकदम इतना भी नहीं होगा ऐसा बोलने के लिए। सेकेंडली वैसे ही करेंगे एट इक्वेटर एज जी इज मिनिमम सो टाइम पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम। सो वो कैसे ऑसिलेट करेगा, इट विल ऑसिलेट स्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर सैटेलाइट भी लिया तो जी जीरो हो जाएगा टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा इट विल नॉट ऑसिलेट, तो सैटेलाइट में पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। दूसरी चीज पोल पे मैक्सिमम है इक्वेटर पे मिनिमम है, पोल पे मैक्सिमम है इसलिए पोल पे वो फास्ट ऑसिलेट करेगा फास्टेस्ट फास्टेस्ट भी और इक्वेटर पे स्लोएस्ट स्लोएस्ट फास्टेस्ट मतलब और सरफेस पे सरफेस में अगर वेरियस प्लेस पे आप उसको लेके जाइए खेड़ में लेके जाओ बाद में श्रीलंका में लेके जाओ ऑस्ट्रेलिया में लेके जाओ उधर यूएसए में लेके जाओ साउथ अफ्रीका में लेके जाओ ऐसा अलग अलग देश में आप उसको लेके जाओगे तो उसका टाइम पीरियड हाँ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अलग अलग बनता जाएगा उसी लेंथ के लिए। हाँ वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए लेंथ क्योंकि ये एल है ना एल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा एक ही लेंथ का सिंपल पेंडुलम बॉब वगैरह वही सेम सबको एक जैसा पेंडुलम बना के दिया और बोला करो ऑसिलेट करो एक जन कर रहा है यूएसए में एक जन इंडिया में कर रहा है एक चाइना में कर रहा है रशिया में कर रहा है तो रशिया तो ऊपर है पोल के नज़दीक है और इक्वेटर के नज़दीक कोई देश है उधर करेंगे साउथ अफ्रीका थोड़ा सा वो भी ऊपर ही है थोड़ा नहीं तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह नीदरलैंड्स न्यूजीलैंड वगैरह ऐसा करेंगे सब जगह सेम टाइप का सिंपल पेंडुलम दिया उसका लेंथ सेम परफेक्ट सेम एकदम सेम और सरफेस के ऊपर कितना रखना है वो सब सेट किया और उसको ऑसिलेट किया उसका टाइम पीरियड भी चेंज किया मैक्सिमम आएगा पोल पे मिनिमम आएगा पोल पे मैक्सिमम आएगा इक्वेटर पे मतलब पोल पे वो फास्टेस्ट ऑसिलेट करेगा वही पेंडुलम आपका इक्वेटर पे स्लोएस्ट ऑसिलेट करेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा इट मींस दैट नंबर थ्री यहां पर लिख देता हूं मैं एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर टी क्या होता है यहां पे फास्ट है यहां स्लो टी डिक्रीजेस टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस वाइस वर्सा एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल टी इंक्रीजेस
तो पोल टू इक्वेटर अगर चले गए हम देन पी टी डिक्रीजेस, इक्वेटर टू पोल चले गए ही विल इंक्रीज। यहां पे देखो फास्ट का स्लो बन गया, इक्वेटर टू पोल स्लो का फास्ट बन जाएगा। दिस इज द थिंग, दिस इज द वे इन व्हिच इट कैन बी डन। ओके सो नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन अगेन दिस थिंग। ओके बना दिया, अभी जाएगा तो दो चीजें हमने देख लिया, यहाँ पे G का वैल्यू बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। ओके तो कौन सा है, पहले है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सॉरी पहले वेट ऑफ द बॉडी, सेकेंडली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। वेट भी देखा आपने, सिंपल पेंडुलम का भी केस देखा, अभी आएंगे सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट जो हमने पिछली बार किया। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सो इफेक्ट ऑफ जी ऑन सरफेस टेंशन, सो टू इज इक्वल टू एच आर रो जी अपॉन टू कॉस थीटा। एच आर रो जी अपॉन टू कॉस थीटा, या फिर फॉर तो यहां पे सरफेस टेंशन टी है प्रोपोर्शनल टू जी, तो ऐसे ही एट पोल जी इज मैक्सिमम, सो टी विल बी मैक्सिमम। सरफेस टेंशन मैक्सिमम कहां पे देखने मिलेगा, पोल पे अगर हम वो कैपिलरी राइज वगैरह करते गए। ओके एट इक्वेटर जी मिनिमम, तो टी भी मेरे को मिलेगा मिनिमम, तो ऐसा है। ओके इन सैटेलाइट जी कितना है, जी जीरो है, ये जीरो बन गया, तो टी भी मेरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, सरफेस टेंशन ही नहीं मिलेगा। इससे ही चलते हैं राइज इन द कैपिलरी, राइज इन द कैपिलरी हाइट। आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा होगा सरफेस टेंशन में, राइज इन कैपिलरी के बाद में आपने सीखा है कैपिलरी हाइट, ये भी मैंने आपको उस टाइम सिखाया था लेकिन फिर से सिखाता हूँ। ये अगर हमने लिया और उसमें हमने फ्लूइड लिया है और यहाँ में अगर हमने कैपिलरी लिया तो कैपिलरी में राइज होता है लिक्विड की, ओके हाइट। सो ये एच बन गया, तो एच के लिए पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो एच के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एच के लिए यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। तो एच क्या बन रहा है, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो पहले एट पोल अगर मैंने पोल पे गया तो जी मैक्सिमम है, फिर से लिखेंगे तो आर सब एच कितना आएगा मिनिमम। सेकंड एट यही एक्सपेरिमेंट अगर पहले पोल पे लिया तो एच मिनिमम हो गया बन गया, और एट इक्वेटर अगर मैंने इसको लिया तो जी है मिनिमम तो एच बन जाएगा मैक्सिमम। तो देयर विल बी मैक्सिमम राइज इन द कैपिलरी इफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज एट इक्वेटर, देयर विल बी मिनिमम राइज इन द कैपिलरी, कैपिलरी लिक्विड हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी इफ द सेटअप इज ऑन द पोल, और इन सैटेलाइट अगर उसी सेटअप को मैंने सैटेलाइट जी कितना है जीरो है तो मेरा एच बन जाएगा इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट का मतलब क्या है, हाइट इनफाइनाइट मतलब बहुत बढ़ते जाएगा, अगर
बहुत है बढ़ते जाएगा बेटा, बहुत बढ़ते जाएगा। तो वाटर क्या हो जाए, वाटर जो कुछ आप कर रहे हो वो आएगा कैपिलरी के ऊपर। सो फ्लूइड विल आउट फ्लो, ये आता है आपको बहुत। आज आपको नहीं समझेगा, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन दोज यू विल फाइंड मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और इस साल मेरे को लग रहा है इसके ऊपर आपको आ सकता है, इस चीज के ऊपर, नहीं तो टाइम पीरियड ऑफ सेपरेट बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लूइड आउट मतलब जो ऐसा आपका सेंटर बन गया है, यहाँ से फ्लूइड आ गया, यहाँ से आउट फ्लो करेगा। If the setup is kept where in satellite, तो अगर satellite में रखा है उसको, then the fluid inside the capillary tube will outflow. तो दोस्तों बेटा देखो ये सब चीजें, of course you first note down, I will come once again. तो देखो बेटा ये पूरा पूरा आपको सब प्रैक्टिस करना है, विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट फाइंड इट इजी। वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट यू विल फाइंड इट वेरी इजी, अदरवाइज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। ये कितना ध्यान में रखना है, ध्यान में रखने का चीज ही नहीं। तो मैंने क्या कैसे बताया आपको, जहां जहां जी डिपेंड करते हैं वहां वहां देखने का, बस हो गए अपना काम खत्म। NLM में जी होता है लेकिन वो वहां पे जी इफेक्टिव एपरेंट वेट वगैरह वहां पे आता है, लेकिन इन चीजों में टी में लिखा आपने, टाइम पीरियड ऑफ सेपरेशन, सरफेस टेंशन का टी, नहीं तो हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, इस चीज में जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो आई विल सजेस्ट यू टू कीप इन माइंड दिस ऑल थिंग्स, प्रैक्टिस वेल, डू योर नोटिंग्स केयरफुली, मेक द प्रॉपर नोट्स, ओके। आई विल गो अहेड, मैंने आपको ऑलरेडी टाइप दिया है ये बनाने के लिए, नहीं दिया होगा तो फिर से आप थोड़ा पीछे जाके पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो बेटा अभी तो हमने तीन फैक्टर का, तीन चीजें देखी है, ऑन विच डिपेंड्स ऑन जी, बहुत सारी चीजें आप भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है 11th क्लास में, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जी पे डिपेंड करती है, मतलब फाइंड आउट करना है। मैंने वो पहले लिखा था ऊपर, फाइंड आउट द थिंग्स, फाइंड आउट द फॉर्मूली इन विच We are using G. तो अगर आपने फॉर्मूला G जहाँ पे है स्मॉल G, वैसे सब फॉर्मूला देखे तो आपको उसका समझ सकता है। तो आपको क्या क्या याद में रखना है, फिर से हम रिवाइज करते हैं, आप मेरे साथ बोल सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर दे दोगे, उसके बीच में गैप रखूंगा, बाद में मैं आंसर बताऊंगा। जिन्होंने आंसर दिया है वो सही है गलत है आप ही डिसाइड करो, इफ योर आंसर इज करेक्ट देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ओके। फर्स्ट, ऑन द अर्थ सरफेस जी इज, आंसर इज मैक्सिमम, ऑन द अर्थ सरफेस जी इज मैक्सिमम, उसमें भी ऑन सरफेस जी मैक्सिमम है उसमें भी वो वैरी करता है। तो एज वी गो फ्रॉम, नहीं तो पहले करते, एट पोल्स जी इज मैक्सिमम, पोल पे जी इज मैक्सिमम, एट इक्वेटर जी इज यस इट इज मिनिमम। तो ऐसे बोल सकते हैं ऑन द अर्थ सरफेस ऑल ओवर जी, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, बट इट इज नॉट कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। तो आप इसको लिख के भी रख सकते हैं, ऑन द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज टेकन टू बी मैक्सिमम बट इट इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑल ओवर द अर्थ सरफेस। सो इट इज मैक्सिमम ऑन पोल, एट पोल, एंड इट इज मिनिमम एट इक्वेटर। इससे मैं दो स्टेटमेंट बना सकता हूं, उसका क्वेश्चन मैं देता हूं, आंसर डैश 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 आप भर लो। एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर जी डैश डैश डैश, ऑप्शन है इंक्रीजेस डिक्रीजेस, यस आंसर विल बी जी डिक्रीजेस।
बिकॉज जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड पोल से इक्वेटर पे चले गए तो जी कम होते जाएगा और इक्वेटर पे वो मिनिमम रहेगा, फिर से इक्वेटर से नीचे पोल तक गए फिर से वो बढ़ता जाएगा, नीचे पोल पे फिर से वो मैक्सिमम रहेगा। एंड लास्ट इज एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जी जी विल इंक्रीज इंक्रीज करते जाएगा, फिर से इक्वेटर मतलब पोल टू इक्वेटर गया जी कम हो गया मिनिमम हो गया इक्वेटर पे, इक्वेटर टू पोल फिर से नीचे आए नहीं तो ऊपर गए कहाँ से, तो इक्वेटर से पोल में गए जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा पोल पे मैक्सिमम होगा, और पोल टू इक्वेटर आए तो जी का वैल्यू घटता जाएगा मिनिमम होगा इक्वेटर पे। सो दिस इज द थिंग, ऐसे इस जी को हम देख सकते हैं। ओके तो ये पूरा हो गया जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, आपको बहुत दिक्कत आती है आपके अगर मॉड्यूल में देखा तो ये जो है ये सब आपके मॉड्यूल में दिया है, ये सब मैंने कवर कर लिया है। तो आपका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जो सब है ये जो सब प्रॉब्लम है, कल मैंने आपको 15 तक प्रॉब्लम बनाने के लिए बोला था है ना बेटा, तो आज तो मैं उन प्रॉब्लम को करने के लिए आपको बोलूँगा। आज आपको क्या करना है बेटा, आज आपको 21 ठीक है एग्जाम्पल नंबर 21 आपको देखना है। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ उसमें, मेरे पास भी उसका हार्ड कॉपी नहीं है अभी तक, मॉड्यूल अभी बनने वाला है मतलब प्रिंट होके आने वाला है ड्यू टू लॉकडाउन देर आर सम प्रॉब्लम्स, उसके बाद में आपको मॉड्यूल डायरेक्टली मिलेगा और हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल 21 से लेके आप जा सकते हो 26 तक, एग्जाम्पल आज का है 21 एग्जाम्पल 26, तो प्रॉब्लम नंबर 21 टू प्रॉब्लम 26 इज योर टुडे होमवर्क, सब सॉल्व करके दिया गया है आपको, खाली उसको ठीक से पढ़ना है आपको, वंस अगेन यू हैव टू सॉल्व। और अभी जाएंगे मॉड्यूल में अलग सेकंड पीडीएफ, तो अभी जाओ सेकंड पीडीएफ के लिए, सेकंड पीडीएफ में बेटा एक मिनट सेकंड एक सॉरी आपका ग्रुप कहाँ है, आपके ग्रुप पे ये देखो अभी सेकंड पीडीएफ में आपको सेकंड पीडीएफ पे देखो मॉड्यूल 1 है, सो ये होगा पीडीएफ 1 का, और इम्पोर्टेंट ऊपर क्या है पीडीएफ 2 में मॉड्यूल 1 उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 10 आज मैं थोड़ा आगे भी जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, एंड विदाउट लॉस ऑफ टाइम आई हैव टू शो देम ओके, तो मैं आगे जाऊंगा एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू सी दिस, और उसके बाद में अगर इक्का दुक्का आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, उसमें से मैं चूज़ करूँगा प्रॉब्लम और आपको मैं एक पीएस सेशन लेके, नहीं तो एडिशनली मैं पेपर पे उसको सॉल्व करके आई विल सेंड इट ऑन योर ग्रुप, सो दैट यू विल बी एबल टू सी दैट व्हाट एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज इसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम है, बाकी तो मॉड्यूल में सब दिया है तो मॉड्यूल को ढंग से रीड करो, ठीक एक एक पेज उसका रीड करो क्योंकि एक्चुअली कंटेंट के हिसाब से ये टॉपिक आपके 11th में जाता है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक योर फॉर योर जेई एज वेल एज फॉर योर सीईटी दोनों के लिए, ये टॉपिक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको अगर आपने किया और अभी तक का जो पार्ट मैंने सीखा है ये मोस्ट प्रोबेबली
आपके सीट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीट में इतना ही आता है इसका, और थोड़ा सा क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह थोड़ा आता है। जेई के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी हम अभी सीखेंगे। तो अभी आज हम आगे जाते हैं, थोड़ा सा एक दो चीज़ों का ख्याल है। एक आता है फील्ड और एक आता है पोटेंशियल, एक आता है फील्ड एंड एक आता है पोटेंशियल। तो एक्चुअली फील्ड का हमने स्टडी किया है, जो आपने जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सीखा है वही सब फॉर्मेट है फील्ड के। तो फील्ड का आपका ग्रेविटेशन का डेफिनेशन आएगा फोर्स अपॉन मास। अगर इलेक्ट्रोस्टेट में चले गए तो आपका बनेगा फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, इसको ही हम इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बोल सकते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आपको लिखना है तो आएगा एफ अपॉन एम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपने अगर लिखा तो आएगा आपका एफ अपॉन एम। तो देखो फोर्स न्यूटन, न्यूटन पर के जी, और एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, उसमें से एम है तो मतलब ये काम करेगा आपका ए का। तो ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जी जो है हम निकलते हैं ऐसे निकलते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये बन गया आपका फोर्स, उसको डिवाइड किया मैंने क्या, कहाँ से डिवाइड किया, एम जी, इसमें क्या हो गया बराबर ना, इसको डिवाइड किया सॉरी सॉरी इसको इक्वेट किया बेस जी से ऐसे जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है वही अपना फोर्स पर यूनिट मास। तो मतलब एक्सेलरेटली डायरेक्टली नहीं आएगा ये, अगर पैटर्न अलग है डायरेक्टली आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। हाँ इतना तो बोल सकते हैं कि ये ई जी इसका यूनिट एक्सेलरेशन का आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही याद रखा। बाकी ये इस स्मॉल जी के चक्कर में मत जाओ, वो थोड़ा भूल जाओ उसको। स्मॉल जी का मैंने जो सब आपको कैलकुलेशंस वगैरह करवा के दिया है वैसे ही वो आएगा, उतना बदलेगा नहीं, दैट विल नॉट चेंज अ लॉट। सो फोर्स पर यूनिट मास विल बी योर फील्ड, समझ गए। ओके, इतना तो समझ गए। अभी देखो, अभी थोड़ा सा दूसरी चीज़ का ख्याल करते, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद में आगे जाते, इसको नोट डाउन करो, पॉज करो, हो गया ठीक। तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, जब हम सवाल करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, पीछे फिर से पीछे जाता हूँ मैं, तो इसको इस कंसेप्ट को ऐसा कुछ नाम नहीं है, आपको समझना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक मास है एम, यहाँ पे एक मास है एम वन का एम एम हो, और ये लाइन है और एक यूनिट मास, यूनिट मास मतलब क्या कंसेप्ट है, अगर ये केजी में तो इसको 1 kg, अगर ये ग्राम में ग्राम में तो यूज नहीं करते, मतलब इसका यूनिट मास वैल्यू इज इक्वल टू यूनिट वैल्यू 1 है। यूनिट मास अगर इसकी तरफ आ रहा है, देखो बेटा मैं क्या करता हूँ अभी, एक काम करता हूँ, इसको ऐसा नहीं करता, दो करता हूँ, एक तरफ को आ रहा है एक तरफ को जा रहा है, ऐसा करता हूँ, आई विल डू दैट। ओके, सो आई विल टेक द टू हाफ्स board, okay, is that clear, is that looking clearly, yes, looking clearly, I will make it prominent, okay, तो इधर देखो अभी क्या करना है, अपन को क्या करना है, एक केस में ये मास है, ये मेरा दिया हुआ मास है, इस लाइन के अलावा
was coming closer to the given mass. और यहां पे उसके उल्टा करता हूं, यूनिट मास गोइंग अवे यूनिट मास गोइंग अवे. ओके, यहां पे क्या हो रहा है, यूनिट मास कमिंग क्लोजर टू द गिवन मास और यहां पे इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द गिवन मास. ओके, तो क्या हो जाएगा, सपोज पहले उनका डिस्टेंस था आर, बाद में वो क्लोज 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 आता गया और डिस्टेंस बन गया आर टू. यहां पे उनका हो जाएगा, पहले उनके बीच में डिस्टेंस था आर वन और बाद में वो दूर दूर चला गया, वो हो गया आर. तो भी देखो, देखो क्या होता है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, बराबर, ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा. सो उसके ऊपर फोर्स जीरो नहीं होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी फोर्स अप्लाई होगा. और मेरे को ये मास इधर लेके जाना है, यहां से यहां लेके, लेकिन मेरे हिसाब से उसको लेके जाए, इन माई वे आई वुड मेक इट. तो अभी प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ये मास उसको ऑलरेडी अटेंड, मतलब ऑलरेडी वो जाने के प्रोसेस में है, बराबर, क्योंकि वो द डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स देन दैट ओनली विल बी द फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी मोस्टली कंसिडर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब वो उसकी तरफ ही जाने का प्रयास करे, इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स दैट. समझ में आ रहा है, तो उसको वैसे नहीं जाने देना है, तो उसको मेरे को लेके जाना है, मतलब उधर ही जा रहा है, मतलब कोई कोई भाग रहा है उसको, आपको उसको लेके जाना है उधर ही, लेकिन उसको भागने नहीं देना. तो पहले जो भाग रहे उसको पकड़ के रोकना चाहिए और बाद में आपको उसको आगे लेके जाना. समझ रहे, लाइक दैट. सो ऑलरेडी द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट मास एंड यू हैव टू डिस्प्लेस दैट मास फ्रॉम से आर टू आर. अभी क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर. सो आर वन बड़ा है, आर टू छोटा है, सो एज वी गो फ्रॉम आर वन टू आर टू क्या हो जाएगा, एफ आर वन कम होती जाएगी तो एफ विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो एज वी विल गो नियर एंड नियर टू द गिवन मास, it will be very difficult for me to hold that mass because already the force of attraction is there on the mass. ये थोड़ा मैं आपको समझने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं. force अगर बढ़ते हाँ, actually आपको यहाँ पे अच्छा समझना है क्योंकि मैं opposite direction में जा रहा हूँ, तो ये समझने में दिक्कत आएगी, थोड़ा दिक्कत आएगा, I know that. तो ये समझ के as I go near and near फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, उसके ऊपर फोर्स कौन दे रहा है, दिस मास इज गिविंग द फोर्स, सो दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई माय इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड दैट मास और टू मेक दैट मास टुवर्ड्स. ऑन द अदर हैंड यहां पे ऑल्सो एफ इज प्रोपोर्शनल वन बाय आर स्क्वायर, सब वैसे ही लिखूंगा, इनवर्स स्क्वायर log इनवर्स स्क्वायर. सो आर वन टू आर टू, अभी क्या है, मैं इधर जा रहा हूं तो आर वन टू आर टू, आर वन बढ़ रहा है अभी, आर वन टू आर टू जा रहा हूं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है अभी,
मतलब फोर्स क्या होता है, फोर्स का तो उसके नजदीक से इसी मास को आपको लेके आना है, तो फोर्स कम होती जाए, समझ गए। ये क्यों आपको बताया, क्योंकि कल मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी एंड सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मॉडल में ऑलरेडी पहले दिए हैं वो बताऊंगा। उसके बाद में आफ्टर दैट वी विल गो फॉर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो होने के बाद अपना फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ, ये आपका मास है, ये यूनिट मास है, यूनिट मास मतलब वन। एज डिस्टेंस विल डिक्रीज एज वी गो टूवर्ड्स द मास, फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द सेम मास, एज वी गो अवे फ्रॉम द सेम मास द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज वाई as the force is inversely proportional to square of the distance, that is why as we go from r1 to r1, as the distance is increasing the force will go on decreasing. To ye kyu chahiye aapko, iske liye bhi bahut important thing aapko dekhna padega. To uske liye potential ka concept bahut important hota hai and potential energy. To hum kya karenge yahan pe, हमारे डिस्कशन को अभी खाली जस्ट अपने वर्क डन में उसको लिमिट करते हैं। तो आपको मैंने सिखाया, आई हैव टॉट यू वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा वर्क डन आएगा आप ही बताओ, एक मिनट का पॉज देखो। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है, द फोर्स इज इंक्रीजिंग हियर एंड इज डिक्रीजिंग हियर, सो फोर्स विल इंक्रीज एज आई गो नियर टू दैट मास, एज आई गो क्लोज एंड क्लोज टू द मास डिस्टेंस विल डिक्रीज, द फोर्स विल इंक्रीज, एज आई गो अवे एंड अवे फ्रॉम द मास द डिस्टेंस विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई द फोर्स विल डिक्रीज। सो आई कैन अप्लाई वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द वेरिएबल फोर्स। सो यहाँ पे भी अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है। ओके, चालू करते हैं थोड़ा सा, आज पूरा नहीं होगा आई नो दैट, लेकिन आपको मैं एक एज एन इंट्रोडक्शन उसका दिखाऊंगा। ओके, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, नोट डाउन आपने अगर ऑलरेडी किया है तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है। बीच में अभी लाइट चला गया है तो आई नो दैट मेरा चेहरा आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बोर्ड आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। आपको इम्पोर्टेंट क्या, मैं दिखने से अच्छा है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड दिखना, मैं क्यों, और मेरा आवाज़ आपके पास आना, तो आवाज़ तो आ रहा है, तो ठीक है हम चालू करते हैं और उसके बाद में कंक्लूड द लेक्चर। एंड आपको होमवर्क मैंने ऑलरेडी दिया है, सो आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दैट होमवर्क केयरफुली एंड कीनली। तो यहां पे क्या है, यहां पे सपोज मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करता हूं, यहां पे मेरा मास एम और यहां पे, ओके गुड, गॉड इज ग्रेट, इस मास को 1 to 2 इसको बोलते हैं इनिशियल और इसको बोलते हैं फाइनल, इसको बोलते हैं इनिशियल और दूसरे को बोलते हैं फाइनल। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था, ये r1 और ये फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया r2, बराबर। ओके, सो इसको बोलते हैं r और इसको बोलते हैं r f, क्योंकि यहां पे आपके दो पोजिशन वेक्टर भी बनेंगे, इसको बोलेंगे r1, ओके इसको बोलेंगे r2 जो मैं हमने किया था, तो r1 को भी अट्रैक्टिव है, मतलब ये ऐसे आएगा, r आएगा, मतलब ये आएगा और
ये और यहाँ पे उसको लाओगे तो छोटा वाला बचेगा, मतलब वो आर से छोटा है। तो अभी ये तो आपने समझा होगा ये आर क्या है, तो अपना वर्ग कितने लिख रहे हैं, कैसे लिखते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम और वेरिएबल फोर्स। तो अगर छोटा सा वर्क डन करना है, छोटा सा डी आर डिस्टेंस से उसको डिस्प्लेस करें, आई नो दैट इट इज एफ डॉट डी आर, द फॉर्मूला इज एफ डॉट, कितना बजे अभी ठीक है टाइम है एक दो मिनट अभी पढ़ाता हूँ और बस करता हूँ, एफ डॉट डी आर एंड टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना है आपका डब्ल्यू विल बी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना लिखना है, एफ का वैल्यू आपको एफ का वैल्यू कितना लिखना है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो कैसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस जी नहीं माइनस है यहाँ पे नहीं लिखा तो चलेगा क्योंकि वो सब मान लगा एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो जी कॉमन कॉन्स्टेंट है, एम वन कॉमन कॉन्स्टेंट है, एम टू कॉन्स्टेंट है, कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। सो वन बाय आर स्क्वायर का वो इंटीग्रेट करके वो सब जो है वो कल हम सीखेंगे। टुडे राइट नाउ फॉर द For today's, it's much more sufficient, I think, as because already we have completed the things which are okay. कल के लेक्चर में इसको देखते हैं, there is no problem. So, okay. So, ये हम कल देखेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा time चाहिएगा, इसको ज़्यादा टाइम जाएगा और वो प्रॉब्लम आएगा। आप क्या करो, यू हैव टू डू वन थिंग, ये इंटीग्रेशन है वन अपॉन आर स्क्वायर, हाँ इंटीग्रेशन वन अपॉन आर स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करके रखो और क्या आता है वो तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देखो। हाँ ये अच्छी बात है, तो डेरिवेटिव पहले देते हैं, ओके माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स का। तो अगर मैंने y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लिया, कैलकुलस का पार्ट, तो ये आज आप पूरा आपको दिखा के रखता हूँ, तो कल आपके लिए प्रॉब्लम है। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स देन dy बाई dx कितना है ना x का पावर sorry nx raised to n माइनस 1, ये डेरिवेटिव आता है आपका। तो इंटीग्रेशन उल्टा डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने इंटीग्रेट किया तो आपको फिर से डेरिवेटिव का वैल्यू मिल जाएगा। एन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एन कितना है यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब एन मिल गया आपको माइनस वन, तो क्या लिख सकते हो माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, तो कितना हो गया माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो कितना हो गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया इसका डेरिवेटिव बन गया। तो यहाँ पे जो 1 बाय आर स्क्वायर आने वाला है और उसका माइनस साइन तो बन जाएगा 1 बाय आर, तो यहाँ पे मैंने जो माइनस साइन दिया था माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन के बाद में आएगा 1 बाय आर, और 1 बाय आर में हम लिमिट डालेंगे आर इनिशियल टू आर फाइनल, मतलब यहाँ पे बन जाएगा 1 बाय आर टू माइनस 1 बाय आर, तो ये ऐसा वो बन जाएगा और उसके हिसाब से we will be able to find out work done, total work done, then we will be able to find out the potential energy and before that we will already find out the gravitational potential. So on average totally the concept of field and potential is very important jo hum kal dekhne wale hai. So I will request you not to waste your time, जो वीडियो है वो पूरा देख लो बेटा, आज का भी आज में बहुत छोटी 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 चीज़ें आपको बताया हूँ, पूरा नोट डाउन करो, नोट्स मेरे को दिखाओ, ऑलवेज आई एम टेलिंग सम स्टूडेंट्स टू शो देयर नोट्स, यस्टरडे ऑल्सो आई हैव टोल्ड, डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो आई हैव टोल्ड टू शो देयर नोट्स, टुडे ऑल्सो आई विल टेल ऑफकोर्स
सम स्टूडेंट्स टू शो देयर नोट्स. ये क्यों है? ये आपके लिए है, लॉकडाउन है, अभी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए भी बोल रहा है सरकार. वॉट एवर इट इज़ देयर, अपना स्टडी तो चलते रहना चाहिए. स्टडी चलते रह गया तो ही आपका सर्वाइवल हो सकता है एग्जाम में, नहीं तो बाद में आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. एंड आई विल रिक्वेस्ट, सपोज आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम तो मेरे को मालूम है. आई नो दैट नेटवर्क प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम. कभी कभी एक दोपहर के टाइम में नेटवर्क नहीं था, सुबह में नहीं था, वाईफाई बंद हो गया था, रिचार्ज खत्म हो गया था, कल रिचार्ज कर सकते हैं तो ऑनलाइन मैंने रिचार्ज किया, ये सब चीज़ें. तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इंटरनेट आपका पूरा बंद नहीं रहेगा. जब चालू होगा, वंस इट विल स्टार्टेड, यू हैव टू दैट चैनलाइज योर वर्क इन द कंटिन्यूटी. एक ही नहीं, फिजिक्स ही नहीं, मैथ्स भी है आपको, केमिस्ट्री का भी करना है पढ़ाई. सो यू हैव टू चैनलाइज योर वर्क एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू योर स्टडीज. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से. एंड टुमारो अगेन वी विल मीट एंड वी विल कम अप विद ग्रेडिएशन पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल. टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून विद फिजिक्स. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye.